गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस्तकबाल करते हैं आप सबका जश्न आजादी के इस बहुत ही खूबसूरत स्वागत है। मैं दो तीन बातें कह के छोटी छोटी बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। नया जोश है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हो रहे हैं वो एक कड़ी है जो दोबारा से कश्मीर की वादियों में उभर रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं कह के 21 अक्टूबर में इसी जगह पर हम लोग इकट्ठे हुए थे, लगभग ऐसी ही कोई शाम थी और हम लोगों ने कहा था कि हम दल साफ कर देंगे। तब मुझे लगता था कि जितने लोग सुन रहे थे उनको लगा था कि मजाक बोल रहे हैं, लेकिन अब दल साफ हो गया है। एक सिंपल है, मैं आने के पहले भी ऑफिसर हो चाहे जनता हो, जिस तरह से साथ दिया आप लोगों ने इस पूरे को आगे ले जाने में, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तो एक बार हमारे ब्यूटीफुल कंट्री के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यंगस्टर्स पीछे बैठे हैं आज। काली काली तेरी आंखों के जलवे, मीठी मीठी तेरी बातों के जलवे जलवे जलवे, वजह से जमीन पे सोचो आसमान नहीं सी सोचो सरपोश होश, वजह से पड़े कभी रंग तेरा जिसमें से निकलते फूल कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की बात। जो ट्वेंट है जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुआ। G20 ने साफ साफ दर्शाया कि जम्मू कश्मीर को विकास में आगे बढ़ाने में श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का कितना योगदान है। अपनी बात से लगा सकते ये 500 प्रोफिटियर इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पैदा किया, आजकल बौखलाए हुए टूरिज्म को लेकर सीमावर्ती गांव के विकास आदि के संदर्भ में अनर्गल बातें फैलाई जा रही। महात्मा गांधी के पास कोई बंदूक धन दौलत और नहीं थी, उनके पास सत्य और उनके परम त्याग परम तपस्या की इज्जत थी। फिर ये बापू की इस विरासत से भी जम्मू कश्मीर को महरूम रखने की 3 दशक तक कोशिश हुई,
हमारे कश्मीर के नौजवानों को सही रास्ते से भटकाया गया। कोई भी बच्चा इस टोन पर इतर पैदा नहीं हुआ था। उन्हें चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स ने अपने फायदे के लिए उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने का काम किया था। उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाया गया था। यहाँ के नौजवानों में था टैलेंट, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उन्हें गलत रास्ते पर डाला गया। आज जब उन्हें स्वच्छंद वातावरण मिला है, उनकी प्रतिभा को खिलने का अवसर भी मिला। अनेक नौजवानों से मिलता रहता हूँ, वो अपने लिए और आवाम के लिए इस इज्जत को पाना चाहते हैं और कुछ नया निर्मित करना चाहते हैं। उनके लिए शांति और मोहब्बत सबसे बेशकीमती तोहफा है। मैंने उनके मन में दृढ़ता देखी है कि जिस वजह से यहाँ आवाम को 30-35 सालों तक घुटन में जीना पड़ा, वैसी व्यवस्था को भविष्य में आने नहीं देना है। इसका संकल्प इस आज़ादी के अमृतकाल में यहाँ के नौजवानों को लेना है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भीतर स्वार्थ नहीं है, उनका हर कदम राष्ट्र निर्माण की दिशा में स्वाभाविक रूप से उठ रहा। पिछले कुछ वर्षों में उनकी सुनहरी उपलब्धियों से भरे हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है उनकी कर्तव्य भावना, उनके संकल्प से जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अपनी स्वतंत्रता से जीने का हक होगा। जियो और जीने दो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा और नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, ताकि हर व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सके वो इस महान राष्ट्र का नागरिक है। आज मैं